एजुकेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, वीक और स्ट्रांग पॉइंट, अच्छे पॉइंट, अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, यूजीसी नेट वालों के लिए, जहाँ एजुकेशन की कोई एक्सरसाइज करना चाहता है, सेल्फ को असेस करना चाहता है, तो इसके साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको कमेंट कर सकते हैं, मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे एक लड़की ने बड़ा अच्छा थैंक यू उनका कहा कि रैशनल सर आपने 24th का आंसर नहीं दिया। मैंने इसलिए आंसर नहीं दिया कि ऐसे क्वेश्चंस के मैं फेवर में नहीं हूँ। हाँ आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि इसने भी 1 मार्क्स तो दे जाना है ना। तो ये मेमोरी लेवल के जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी का लोएस्ट लेवल, इंफॉर्मेशन लेवल या नॉलेज लेवल का क्वेश्चन है कि रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी वाज फॉर्मुलेटेड बाय अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट थे अल्बर्ट एलिस। ठीक लगाया है इनका आंसर, बिल्कुल ठीक है। ठीक, लेकिन होती क्या है इसको समझना जरूरी है। एक टीचर है जिसको ये नहीं पता कि यार ये अल्बर्ट एलिस ने दी हुई है, लेकिन उसको ये पता है कि यार रैशनल इमोशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी होती क्या है। अच्छा, तीसरे को ये पता है कि इसे अप्लाई कैसे करना है, और किसी के इरेशनल बिलीफ है, होता क्या है, ये इरेशनल जो बिलीफ है किसी बच्चे के, वो इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स जो आ जाता है, जहाँ अपने आप को किसी ना किसी नेगेटिविटी में डाल लेता है, और जिससे उसी मेंटल वेलबींग, जो मेंटल हेल्थ है, वो खराब हो जाती है, सोशल इंट्रैक्शन खराब हो जाती है, नैरो डाउन हो जाता है, सैड हो जाता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी ने, इमोटिव शब्द पर आप फोकस कर सकते हो, जो फीलिंग अपने प्रति नेगेटिव लेके बैठा है। एक एग्जांपल देता हूं, ये कहां चला गया ये एक एग्जांपल देता हूं। एक लड़की को मैंने काम दिया कि ये एक्सेल शीट है, ये फिल कर दो और कैलकुलेट कर दो। तो वो काफी देर लगी रही है, और बाद में देखा कि गलती हो गई, मैंने कहा ये गलत हो गया, तो वो इतना रोई, एकदम रिएक्ट करके। मैंने कहा हुआ क्या, गलत हो गया, दोबारा हो जाएगा, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं आपको। नहीं, कहती मैं अनलक्की हूँ, मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ, मैं मेरा काम वो गलत हो जाता है। अच्छा, मैंने उनसे पूछा, अच्छा मैंने कहा आपको क्यों लगता है कि ये जो आप अनलक्की हो, आपको किस कौन कौन सी इवेंट से लगा? उन्होंने बताया, पर्सन इसने मुझे वैसे कहा था, इसने कहा था, तब का ये मैंने जनरलाइज कर लिया, मेरे एक आइडिया बिलीफ बन गया, उसका बिलीफ अपने प्रति नेगेटिव बन गया कि कोई काम अगर नहीं होता तो वो कारण वो है, अनलक्की है, दिस इज रॉन्ग बिलीफ। तो रैशनली मैंने उनसे क्वेश्चनिंग की, उसको इंस्टांस दिए, उसको सक्सेस दी। अच्छा, परमात्मा की मेहर देखिए, वो बाय चांस वो गलत नहीं था, वो ठीक हुआ सब कुछ। तो वही लॉजिक मैंने दिया, मैंने कहा अब तो आप लकी हो कि अनलकी हो। धीरे धीरे उनसे इंटरेक्ट करते करते क्या हुआ कि वो आज लड़की कह रही है कि मेरे जैसा लकी कोई नहीं है। तो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी ने इरेशनल बिलीफ और नेगेटिव टुवर्ड्स फीलिंग जो है उस पर फोकस करके, उसकी रीजनिंग एक्सरसाइज करवा के और बिहेवियरल एक्सरसाइज करवा के उसको पॉजिटिव करना है, रैशनल करना है, एडजस्टमेंट बढ़ानी है। तो ये बात हुई ना, ऐसी नॉलेज चाहिए ना हमारे टीचर को, एलिस ने किया था, इसने किया था। अच्छा, इसका भी एनालिसिस करके देख लो आप, अल्फर्ट बिने ने तो अपना इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की है, उसके फादर रहे हैं वो, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट 1905 में, ये तो उनसे एसोसिएटेड है ना, ये इधर जाता ही नहीं है, ये तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का वैसे कंसेप्ट है। अच्छा, एल्पोर्ट तो पर्सनैलिटी के साथ जुड़ते हैं, ठीक, फिर लास्ट में आप इन दोनों पर आ जाते हो, दोनों के बारे नहीं पता तो आप एक गेस लगा सकते हो। तो ऐसे भी प्रॉब्लम को, मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। गाइडेंस इस प्रोसेस में क्या हो चुकी है, शेपिंग, हाँ शेपिंग के बारे में कह रहे थे। अगर कुछ लोगों ने कहा है कि शेपिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग के फर्क नहीं समझ आया, आप एक आधा कमेंट करो, मैं एक वीडियो सिर्फ शेपिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग की डिफरेंस में बनाऊंगा, पर वो थोड़ा लंबा बनेगा ना, 10 मिनट तो लगेंगे ना उसको। तो यहाँ ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शेपिंग जो होनी है वो स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप पर थोड़ी मॉडिफिकेशन, फिर थोड़ी मॉडिफिकेशन,
फिर थोड़ी मॉडिफिकेशन, फिर थोड़ी 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 मॉडिफिकेशन, स्टेप बाय स्टेप सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, मतलब गोल के नजदीक जा रहे हो, देन अल्टीमेट गोल जो डिफिकल्ट था, बेशक वो आर्ट पर घूमना है, बेशक किसी पॉइंट को टच करना है। तो शेपिंग ऐसी ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्लासिकल कंडीशनिंग तो बेल और रिस्पॉन्स, इतना मैकेनिकल है, आपने स्विच ऑन किया लाइट जग गई, स्विच ऑफ किया लाइट बंद हो गई, ये इतना मैकेनिकल वो रिलेशनशिप है विद इन सेकेंड से भी कम का, लेकिन वो टाइम भी ज्यादा ले रहा है। और देखिए उसकी डिफिकल्टी लेवल जो लर्नर ने सीखना है वो शेपिंग में ज्यादा डिफिकल्ट है, क्लासिकल कंडीशनिंग में कोई भी नहीं है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक। और ये देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग अनकॉन्शियस है, ये कॉन्शियस है, ठीक। तो ये काफी डिफरेंस है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उन पर भी। मैं एक मिनट देख लूं, बन भी रही है, मेरा कैमरा भी नहीं है मेरे पास। तो जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो वेरी इंटरेस्टिंग है, उसके लिए डिफरेंट भी, अगर को मैं आप रिक्वेस्ट करोगे या ऑर्डर करोगे तो, अदरवाइज बहुत दूसरे काम है। टीचर कैन रीइंफोर्स प्रोफेशनल एथिक्स, देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ये रीजनिंग बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, ठीक। यार ये ऐसे क्यों होता है, चलो कहाँ चला गए ये, ये देखिए के गाइडेंस की हत्या आ गया। हाँ, टीचर कैन रीइंफोर्स, मतलब पता है आपको, टीचर कैन रीइंफोर्स, प्रतिबलन करना, बढ़ाना, उसको बल प्रदान करना, रीइंफोर्स, ओके। प्रोफेशनल एथिक्स बाय, अब प्रोफेशनल एथिक्स का कंसेप्ट आपको अगर पता है तो प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल वर्ड बहुत बड़ा है। क्या ऑप्शन में वो बड़ी बड़ी चीजें बताई गई हैं, यहां से शुरू करें, हेल्पिंग स्टूडेंट विद नोट्स, वैसे नोट्स प्रोवाइड कर देने तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बन रहा है ये तो काम ही बंद हो जाना है। इतना इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बच्चे आते हैं जी नोट्स मिल जाएंगे, जी बुक्स मिल जाएंगी, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़ रहा, तो ये तो सबसे डाउन वाला काम है, ठीक। और ये प्रोफेशनल इसमें क्या है कि नोट्स बताने हैं, कोई एम ऐसा बना है कि नोट्स देने हैं, तो ये इजीली डिलीट हो रहा है, मैं ये बता रहा हूँ, मैक्सिमम ने ये डिलीट कर दिया होगा। बीइंग लॉयल, अब लॉयल थोड़ा पॉजिटिव जा रहा है, टू द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अच्छा, अब यहां पर अगर डायग्राम बनाऊं ये वाला, इसको प्लस कर लेता हूं, अगर मान लीजिए टोटल वो जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, जब प्रोफेशन है, प्रोफेशनल एथिक पूछा गया ना, टीचिंग, तो टीचिंग में सिर्फ मैनेजमेंट को के लिए लॉयल होना इज सफिशिएंट, तो उनको तो दूसरे शब्द भी यूज कर लिए जाते हैं कि ये मैनेजमेंट का वो है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो अदर टीचर्स हैं, आपके लिए स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बाकी एम्प्लॉई नॉन टीचिंग स्टाफ है ना, तो आपके लिए कम्युनिटी है, आपके लिए जो हायर पर्सन है, अथॉरिटी है, एक उनमें से मैनेजमेंट है, तो प्रोफेशन तो ऐसे बन रहा है ना सारा, तो आपकी कमिटमेंट है, क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट होने के बाद आप एक को कैसे फोकस कर सकते हो, इट मींस हम उसको क्या आ गया ये वाला कहाँ चला गया ये, तो इन्होंने लॉयल तो ठीक रखा, तो ये वाला यहां से है ना नैरो कर दिया, रीडिंग बुक्स, रीडिंग गुड बुक्स, ठीक है। तो रूसो ने तो क्या कहा था कि सारे वर्ल्ड की बुक्स को जला दो, जो नया सिस्टम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आ रही है वो बुक्स को वर्बलिज्म को रिड्यूस करना चाहती है, वो एक्सपीरियंस को, वो जो रिफ्लेक्शन को, मेटाकॉग्निशन को, इंटरेक्शन को, है ना, साथ में बुक्स भी होंगी, ऐसे नहीं है कि रूसो की तरह उन्होंने कांटा ही लगा दिया, है बुक्स भी है, लाइब्रेरी भी है, वो तब लाइब्रेरी देखनी है, बुक देखनी है, जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इंटरनेट भी सर्च कर रहे हो, बुक्स भी पढ़ रहे हो, डिस्कशन भी कर रहे हो, दिस इज इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड करिकुलम,
है ना, हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी अभी अप्रोच है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कही, लेकिन इंटर डिसिप्लिनरी अभी नहीं लिख सके हम, ये बात याद रखना, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच उससे भी आगे है, जहां पर मर्ज ही सब्जेक्ट हो जाएंगे और सब्जेक्ट की लाइन ही लगभग खत्म हो जाएगी। यहाँ तो मैथ अभी भी अलग चल रहा है, साइंस अभी भी अलग चल रही है, लैंग्वेज अभी भी अलग चल रही है, वो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का साथ देंगे, वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो वापस आ जाए तो रीडिंग गुड बुक्स, ये तो तीनों ही बहुत छोटा मतलब रह गया, ये वीक क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि ये तीनों नैरो है, एक कॉमन सेंस से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा लॉन्ग टेल ये है, हाँ यहाँ पर नहीं जा रहे हम, है ना, इसका भी ध्यान रखना, हर लॉन्ग टेल जो है राइट आंसर नहीं होता, इस एक फैक्टर रखना है। अच्छा पर्सनल अकाउंटेबिलिटी एंड द बिगेस्ट वर्ड इन दिस इज एग्जांपल, व्हाई एग्जांपल, यू आर मॉडल बन रहे हो अल्बर्ट बांद्रा की, हर राइट आंसर अल्टीमेटली एक फंडामेंटल अप्रूव्ड एक्सेप्टेबल वेरीफाइड थ्योरी में पड़ा होगा, तो एग्जाम्पल मॉडल बनना है आपने किसका, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, यस आई एम अकाउंटेबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो प्लान कर रहा हूँ, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल है, और मैंने किसी हायर अथॉरिटी को बताना है, मैं टीचर्स के प्रति, मैं स्टूडेंट के प्रति, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एग्जाम्पल शब्द ने सबसे वो बड़ा कर दिया, दैट इज वाई जब रीड करना है, पढ़ना है, सॉल्व करना है, तो एक एक वर्ड पर फोकस करना है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सॉरी इसके साथ भी है, द प्रैक्टिस टीचिंग इन करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन डज नॉट, नॉट को ऐसे सर्कल कर लेना है, हर बार याद करना है, नॉट को, नॉट नॉट भाई, नॉट नॉट टीचिंग प्रैक्टिस, आप एकदम स्कूल टीचर में वहां चल जाओ जहाँ टीचिंग प्रैक्टिस लगी है, टीचर एजुकेटर हो आप, जब बी एड आपने किया है, ईटीटी डीएलएड की है, अच्छा क्या नहीं शामिल, पेडागोजिकल एनालिसिस, हाय रब्बा ये तो पहला शब्द दिया, क्यों नहीं है पेडागोजिकल एनालिसिस, जरूर करना है, ठीक है, एक सब्जेक्ट को अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से एनालाइज करना है, सूटेबिलिटी देखनी है। अच्छा प्रैक्टिस टीचिंग इन स्कूल, यार ये तो प्रैक्टिस टीचिंग और प्रैक्टिस टीचिंग इन स्कूल एक डिस्ट्रक्टर बन गया। अच्छा ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉडल लेसन, क्यों नहीं देखने, कोई अच्छा पढ़ा रहा है और उसको क्यों नहीं देखना, देखना है, तो ये तो सीधा बन गया, बचा गया मैनेजिंग एडमिशन प्रोसेस, टीचिंग प्रैक्टिस में एडमिशन का वीक, वेरी वीक क्वेश्चन, ओके। अकॉर्डिंग टू विच अप्रोच करिकुलम कंस्ट्रक्शन द लर्नर इज एट द सेंटर ऑफ द करिकुलम, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, अभी कभी भी अप्रोच के वो याद नहीं आते तो उसका फंडामेंटल थ्योरिस्ट पकड़ लो, अब मैसलो को पकड़ लो, रॉगर्स को पकड़ लो, दो जने तो है ना, रॉगर्स ने क्या दिया था, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी काउंसलिंग जो हम करते हैं, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, अच्छा उसके विरुद्ध में थी डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव में क्या था, डायरेक्टिव में क्या था कि मैं टीचर हूँ, काउंसलर हूँ, मैं मच्योर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और इसके पास नहीं है, कम मच्योर है, ये गलती कर लेगा, मैं बनी बनाई नॉलेज को दे रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ, सुजेशन दे रहा हूँ, बेटा ऐसे ही करना है, यही आपके लिए राइट है। दूसरा वे तो ह्यूमनिस्टिक ने कहा नहीं, सारे अच्छे हैं, सारे ह्यूमन बीइंग के अंदर अच्छाई है, सभी की रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल रिगार्ड, रॉबर्ट्स की थ्योरी है ना शायद, अनकंडीशनल रिगार्ड, उनको याद रखना, इतनी प्यारी, सबका देखना, वो धर्म में विश्वास नहीं रखते, धर्म के सेकुलर अगर आपको फिलोसफी जहाँ ये पूछी जाए ना तो फिर ह्यूमनिस्टिक है, हाँ यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हैं कि सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, साइंस में बिलीव करते हैं, रीजनिंग में बिलीव करते हैं, एक्टिविटी में, क्रिएटिविटी में, है ना, तो लेकिन पर्सनल फीलिंग जो है, दैट इज व्हाई पर्सनल फीलिंग वेलबींग अच्छाई पर फोकस कर रहे हैं उसको, यार जीने दो इंडिविजुअल को, तो दैट इज व्हाई एग्जिस्टेंशियलिज्म से मैक्सिमम मैच करती है ह्यूमनिस्टिक अगर आता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो भी पर्सनल फीलिंग पर, वो वर्ल्ड वार के बाद जो फिलॉसफी आई थी सार्ट्रे वगैरह उन्होंने दी थी, तो क्लाइंट सेंटर, इतने यहाँ से मिल गए हैं, नेक्स्ट में जाना कहाँ कहाँ होगा, स्ट्रक्चर अप्रोच देखिए कितना ऑड ये डाला हुआ है, बिहेवियरल स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी को एकदम याद कर लीजिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ये कौन सी अप्रोच है अभी, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच,
एक्सपेरिमेंटल अप्रोच तो बिहेवियरिज्म में एक्सपेरिमेंट अप्रोच होती है जहाँ वे होता है, क्योंकि साइंस बिहेवियरिज्म पूरी साइंस में बिलीव कर रखती है, एक्सटर्नल में विश्वास रखती है, मेजरमेंट में विश्वास रखती है, दैट इज वाई ये तो है नहीं साफ, मतलब 100% वो ह्यूमनिस्टिक जा रहा है। तो ऐसे मैंने साथ में आपको जो बताया है उससे आपके कम से कम 10-20 क्वेश्चन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स ऑफ करिकुलम हेल्प इन करिकुलम डेवलपमेंट। अच्छा, साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट करिकुलम अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ, क्या करोगे आइडिया की कौन सी नेचर है, साइकोलॉजिकल आइडिया की नेचर कोई बन रहा है, कंटेंट क्या है, ये दोनों तो मटीरियल है टीचर और लर्नर में से ही होगा ना। तो अगर साइकोलॉजी करिकुलम किसके लिए बन रहा है, टीचर के लिए बन रहा है या स्टूडेंट के लिए बन रहा है, लर्नर के लिए बन रहा है ना, वेरी इजी क्वेश्चन। मेरे ख्याल में इतना बहुत है, बाकी कल करेंगे, ठीक है, थैंक यू। कमेंट बॉक्स में बताओ कुछ और पढ़ना है या और कुछ बताओ, आप कमेंट करोगे ना फिर मैं वो समझाता रहूँगा। मुझे एक शख्स ही चाहिए, मुझे इतनी बड़ी भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक दो शख्स चाहिए जो लर्न करना चाहते हैं, मैं उनको टीच करूँगा। थैंक यू।